नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो बीएससी पार्ट सेकंड ईयर यानी पार्ट सेकंड ईयर का ये पेपर है और ये जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टेब्रेट टाइप्स। ठीक है, ये इस पेपर का नेम है, ये पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो पेपर भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, इस पेपर को आप 2023 में देख रहे होंगे ज्यादातर स्टूडेंट, तो इसको 2024 में भी देखोगे या 2025 में भी देखोगे तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनसे आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन से क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, सब कुछ यहाँ से पता लग जाता है, क्योंकि पेपर भी देखते हो साथ में मैं भी बताते हुए चलता हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 33 देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे 33 में कितने नंबर हमें पास मार्किंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 10 या आपको 13 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए होंगे। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट है कि मोलस्का की किस जाति में बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। अब देखो, इनके आंसर आप खुद से ट्राई करना, आपको गूगल से आपकी नोटबुक से मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख देना, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि नो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, सेकेंड है तारा मछली की सतह को किस संरचना द्वारा साफ किया जाता है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि जंतुओं में स्टेटोसिस का कार्य आपको लिखना है। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है झींगा में हैस्टेट प्लेट कहां पाई जाती है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि तारा मछली में श्वसन सम्मिलित सहायक अंगों के नाम लिखिए, मतलब कि जो तारा मछली में श्वसन होता है उसके जो सहायक अंग है उनके आपको नाम लिखने हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, छठे नंबर का, कि कीटों में उत्सर्जी अंग का आपको नाम लिखना है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है कि हेमिकोडेट्स में किस प्रकार की सिलोम पाई जाती है, यह आपको एक्सप्लेन करके बताना है। आठ नंबर का क्वेश्चन है कि हेमिकोडेट्स में किस प्रकार का लार्वा पाया जाता है, यह आपको बताना है। नवे नंबर का क्वेश्चन है कि स्पंज की नाल प्रणाली के दो कार्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेक्शन ए ही है लेकिन पार्ट यहाँ पर क्या है, पार्ट आपका सेकंड है। ठीक है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बिच्छू के तंत्रिका तंत्र का आपको विवरण करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के जीवन का चक्कर आपको समझाना है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि निम्नलिखित का आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। छह नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है झींगा के स्टेटोसिस मतलब की स्टेटोसिस्ट और दूसरा है तिलचट्टों में श्वसन। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी का आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, छह नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि नामांकित चित्र की सहायता से पायला के तंत्रिका तंत्र का आपको वर्णन करना है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्री अर्चिन के चलन तंत्र को आपको चित्र सहित समझाना है, ये भी छह नंबर का क्वेश्चन है। सात नंबर का क्वेश्चन भी आपका छह नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर मतलब की जो पार्ट रहेंगे वो तीन तीन नंबर के है। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। फर्स्ट है बेलेना ग्लोसस का फाइलोजेनिक महत्व और दूसरा है एस्टेरियस में श्वसन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं, सेक्शन सी का आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि कीटों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास का विस्तार से आपको वर्णन करना है, छह नंबर का क्वेश्चन है। सातवें आठ नौवे नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा संघ में जो लार्वा रूपों के महत्व है उसका आपको वर्णन करना है। टेन नंबर का क्वेश्चन यानी कि दसवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। फर्स्ट है दीपक में जाति प्रणाली और सेकंड है हेमिकोडिटा की मुख्य विशेषता, यह आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल हो जाएगा जो कि आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर अवेलेबल हो जाएगा आप सभी छात्रों के मन पे। आज के लिए इतना ही, बाय।